चलिए रुक करते खबरों की ओर। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा समेत सभी विपक्षी दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। यूपी में भी लोकसभा चुनाव की 80 सीटों को लेकर चुनावी हलचल तेज है। मिशन 80 को फतह करने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार जनता के मन में क्या है ये तो वही जाने। बात अगर बरेली और आंवला लोकसभा सीट की करें तो यहां का सियासी समीकरण बड़ा ही दिलचस्प है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची में आंवला लोकसभा से धर्मेंद्र कश्यप पर तीसरी बार दांव खेला है, तो वहीं बरेली लोकसभा से बीजेपी ने अभी तक कोई भी उम्मीदवार तय नहीं किया है। इसी बीच अनादि टीवी की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और बरेली की जनता का मन टटोल कर जाना कि इस बार भाग्य विधाता के मन में क्या है। चुनाव का विपल बच चुका है। अगर बात करें राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से हलचल बच चुकी है, तो इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश शहर से बरेली में मौजूद हूँ और बरेली की लोगों की जनता की क्या राय है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर। इससे पहले आपको बरेली के उस राजेंद्र नगर क्षेत्र की हम वो सड़क दिखा देते हैं जहाँ से लगातार 8 बार सांसद संतोष गंगवार रह चुके हैं, मगर उनके कार्यकाल की अगर बात करें तो देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पर गाड़ियां जो है कोयले खाती नजर आ रही है। कुछ दिन पहले यहाँ 2 दिन पहले लगातार बारिश की झपट से ये सड़क कुछ दिन पहले बनी थी, उसके बाद जो लगातार टूट दी जाती है सड़क, जहाँ लोगों को सड़कों की जहाँ जरूरत है उन क्षेत्रों में लगातार सड़कें नहीं डाली जा रही, हालांकि और जहाँ सड़कों की जरूरत नहीं है वहाँ सड़कें बिछाई जा रही हैं। हालांकि इस क्षेत्र की अगर बात करते हैं पिछले कई दिनों से सड़कों का जो हाल जो है बद से बदतर है, यहाँ गाड़ियों का निकलना जो है दस दूभर हो चुका है। यहाँ के लोगों की राय हम जानेंगे, लोगों का क्या कहना है लोकसभा चुनाव को लेकर, हालांकि किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी यहाँ की जनता बरेली की। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय भाटिया है। संजय जी अगर बात करें लोकसभा चुनाव को लेकर तो किन मुद्दों को लेकर आप इस बार वोट करने वाले हैं? जी वोट हमेशा जनता करेगी और हम लोग सब करेंगे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे, रोजगार के मुद्दे पे और शिक्षा के मुद्दे पे और विकास के मुद्दे पे। इन 4 मुद्दों को लेके हम किसी भी सरकार को वोट देने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वोट लेने के बाद वो हमारी जनता की भी सुने। क्या लगता है इन जो 4 मुद्दे आपने बताए विकास, रोजगार और सड़क बिजली पानी को लेकर, तो इन 4 मुद्दों पे काम हुआ है जनता? हाँ काम हुआ है, ऐसा नहीं कि भाजपा सरकार ने काम नहीं किया है, लेकिन काम उस स्तर पे नहीं हुआ जिस स्तर पे होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जहाँ पे जिस चीज की जरूरत है चाहे वो शिक्षा हो रोजगार हो, वहां पे उस तरीके से वो वहां तक नहीं पहुंच पाई, माध्यम कोई भी हो, लेकिन जहां तक उसे 100% पहुंचना चाहिए था वो 80% ही वहां पर तक पहुंच पाई है। और जहाँ विकास की बात है, विकास की फॉर एग्जाम्पल आप इस रोड को देख रहे हैं तो इस रोड की ज्यादा जरूरत है निर्माण की, अपेक्षा उसके कि हम जो आगे बना बनाया रोड है उसको बना दिया गया, उसको सजा दिया गया क्योंकि वो मेन रोड है, और जबकि जरूरत है हमारा ये रोड भी उतना ही राजेंद्र नगर का जरूरी है, ये भी सारी पब्लिक इसी से निकलती है और इस पे लोड भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस पे निर्माण कार्य ना के बराबर है, कोई सुनवाई नहीं है। क्या मानते हैं कि केंद्र राज्य में सरकार है, बरेली में अगर बात करें संतोष गंगवार लगातार 8 बार सांसद रहे, हालांकि अभी पहली सूची है उनका नाम भी नहीं है, दूसरी सूची का अनुमान लगाया जा रहा है कुछ दिन बाद होनी है, तो क्या लगता है इन 8 वर्षों के कार्यकाल में संतोष गंगवार ने क्या बरेली की जनता के लिए क्या काम किया है? जी अगर कुछ काम हुआ है तो पूरी जनता को पूरी बरेली में दिख रहा है, किया भी है और दिख भी रहा है, लेकिन जो नहीं दिख पा रहा है, अब मैं ये कहूंगा संतोष गंगवार जी नमन है आपको, किसी युवा नेता को अपने मार्गदर्शन में अपनी पार्टी को मार्गदर्शन बनकर और अपना जितना अनुभव है वो लेकर किसी नए को आप क्षेत्र में उतारें ताकि वो हर समस्या को पहचाने। हालांकि जो हमारे सांसद जी हैं वो भी सारी समस्याओं को भली भांति परिचित हैं, बस ये उनपे काम होना थोड़ा सा शेष है जो हो जाना चाहिए कायदे में। तो यहाँ की जनता का आप देख सकते हैं क्या रुख है संतोष गंगवार को लेकर, साफ तौर पर यहाँ की जनता का कहना है लगातार जिस तरीके से 8 बार यहाँ पर बीजेपी से सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता ने ये भी इस बार हाथ जोड़ के उन संतोष गंगवार से आग्रह किया है कि इस बार जो उनकी जगह किसी युवा चेहरे को मैदान में उतारने के लिए कोशिश की जाए। यहाँ कुछ युवा भी मेरे साथ हैं, उनसे भी हम जानेंगे इस सड़क पे जो जिनकी दुकानें हैं व्यापारी हैं किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना है इन व्यापारियों को। क्या क्या नाम है? हरप्रीत सिंह। भाई जी आपसे जानेंगे सड़क को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, सड़क को लेकर बड़ी समस्या बनी हुई है। सड़क को लेकर बहुत ज्यादा समस्या हो चुकी है, एक तरफ तो रोड पे लाइटें वगैरह लग गई हैं और इस तरफ तो रोड अभी निर्माण भी नहीं हो पा रहा है, इस तरीके से बहुत गड्ढे हैं, गाड़ी बहुत पलटती है, यहाँ पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, बारिश में भी गाड़ी पलटने का डर रहता है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, सड़क पे पानी बहुत पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे नाप के गए हैं यहाँ पे, अब देखिए कब बनता है ये रोड, अभी तक तो फिलहाल कोई सुनवाई नहीं है।
और भी कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम है भाई आपका? शरद जसवाल। शरद भाई, अगर बात करें लोकसभा चुनाव सर पर है हालांकि, और किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव करें वोट करेंगे आप? देखिए भैया, जैसे कि आप ले लीजिए शिक्षा को हो गए, या आपका सबसे बड़ी सबसे मेन तो कहते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी बहुत हो रही है इस समय। जैसे बीजेपी को लेके मुद्दे उठते हैं, बेरोजगार नहीं है यहाँ अपने बड़ी फैक्ट्री आती संतोष गंगवार की, वो तो संतोष गंगवार ने दो चार फैक्ट्री वो तो हटवा दी है, और यहाँ के लोग जो अपने बरेली शहर के लोग हैं सब बाहर काम करने जाते हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई गुड़गांव जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, तो बरेली में कोई ऐसा वो नहीं है कि जिससे कि इंसान को लगे कि हाँ मैं अपने शहर में ही अपनी जगह पे रह सकूं, अपने घर पे मतलब अपने माँ बाप के संग रह सकूं, कोई मतलब समझ सकते हैं आप भी कि बेरोजगारी यहाँ पे उस अच्छे से अपने इंसान में पैसा नहीं है कि हिसाब से इंसान पढ़ लिख के अपना कुछ कर सके, तो बाहर जाके ही जॉब करनी पड़ती है। और मेन उसके बाद फिर हम मेन आते हैं हम मुद्दे रोड पे, हर जगह की रोडें बन रही हैं, जैसे आपकी डेला पीढ़ की देखिए जिसपे रोड पड़ी हुई है, उसके बाद भी रोड उसके ऊपर चालू रोड हो रही हैं, आपके राजनगर में ले लो या वीसामनगर, हर जगह रोड के ऊपर रोड पड़ रही है। हमारे राजनगर इंदिरा नगर क्षेत्र पम्प नंबर 2 के सामने वहां पे रोड इस तरीके से है कि आप समझ लीजिए पानी भरने के बाद तो ये नहीं पता लगा गड्ढा किस जगह पे है, और सूखा है तो धूल इतनी उड़ रही है, लोगों को इतनी परेशानी हो रही है धूल से, घरों में दिक्कत हो रही है, जिन लोगों की साफ सफाई प्रॉब्लम है उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है, दुकानदारों को इतनी दिक्कत हो रही है कि आप उसको हम बिल्कुल विशेष बता नहीं सकते। क्या व्यापार को लेकर कोई समस्या आ रही है? जैसे बरसाती क्षेत्र हो, बरसात में सड़कों में गड्ढे पानी भरी भर जाता है, तो उसको लेकर व्यापार में कुछ प्रभाव पड़ रहा है? व्यापार में बहुत प्रभाव पड़ता है, कस्टमर सब कहते हैं कि भैया रोड का हालत इतनी बुरी है कि हमारा आने का मन ही नहीं करता इस टाइम पे, इस रोड को लेके आज से नहीं हम ये, मेरे को भी आके मतलब यहाँ पे रहते हुए 5 साल हो गए, 5 साल में मैंने आज तक इस रोड को ढंग से बनते हुए नहीं देखा, ना विकास देखा, और पानी भर जाता तो बहुत बुरी हालत होती है यहाँ की, नाले वो चौक हो जाते हैं इंदिरा नगर क्षेत्र के समय के सामने का नाले बिल्कुल ऐसे चौक हो जाते हैं, जैसे पानी अगर जरा सा नहीं बरसा हम लोग एक घंटा पहले रह जाते पूरी घरों में पानी, गलियों में पानी, रोडों में पानी, और बहुत बुरी स्थिति है भैया इसको लेके, रोड की वजह से हम कुछ थोड़ा सा परेशान ज्यादा रहते हैं, सब लोग बता नहीं सकते हम लोग कितना परेशान रहते हैं रोड को लेके, सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र की रोड को लेके। ये बरेली के लोगों की जनता का राय है, कुछ व्यापारी लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना है व्यापार को लेकर, अगर बरसात का मौसम जो होता है आप खुद देख सकते हैं, सहयोगी से कहूंगा यहाँ की सड़कें दिखाएं किस तरीके से गाड़ियां जो हिचकोले खाती हुई नजर आ रही है, तमाम एक एक फीट गहरे गड्ढे हैं, जूम करके जरा मैं कहूंगा सहयोगी से दिखाएं, ये देखिए ई रिक्शा भी जा रहा है, इसको भी दिखाएं किस तरीके से हिचकोले खाते हुए यहाँ से गाड़ियां जा रही हैं। कहीं ना कहीं अगर बात करें सरकार की, योगी सरकार में की, और बात केंद्र सरकार की करें, तो जिस तरीके से गड्ढा मुक्त सड़कों की बात कही गई थी, तो कहां अब बात बरेली की करते हैं इंदिरा नगर क्षेत्र की, तो यहाँ की व्यापारी जो है जिनका साफ तौर पर कहना है अगर इस सड़कों में पानी भर जाता है तो कहीं ना कहीं व्यापार करने में भी उनको काफी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये देख सकते हैं पीछे की सड़क है मुख्य मार्ग, इस मार्ग स्टेशन की तरफ जाता है, जो यहाँ रास्ता जो पूरा स्टेशन की तरफ जोड़ता है, और दूसरी तरफ एक आप और कई सभी से दिखाऊंगा सड़क दिखाएं, इसके आगे का जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो रखा है, जिन क्षेत्रों में सड़कों की जरूरत है उस क्षेत्र में यहाँ पर जो प्रशासन ने सड़क नहीं डालना, हालांकि उस काम जो है जो सड़कें बनी हुई उन्हीं सड़कों को दोबारा ठीक कराया जा रहा है, और जिन क्षेत्रों में सड़कों की जरूरत है उन सड़कों पे जल सड़कों का जाल नहीं बिछाया जा रहा है। हालांकि अब बात करें यहाँ के लोगों की, तो उनका साफ तौर पर कहना है जिस तरीके से अगर विकास और सड़कों को लेकर इस बार जनता जो है वोट करने वाली है। कैमरा पर्सन अजय सिंह के साथ प्रवीण कुमार, अनादि टीवी, बरेली।